सभी को नमस्कार। इस पार्सल को अनबॉक्स करके देखते हैं क्या आया है इसके अंदर। ये पॉली बैग के अंदर गत्ते वाला पैकेजिंग है और उसके ऊपर टेप अच्छे से लगी हुई है। पॉली बैग मैं हटा चुका हूँ, अब इसको यहाँ से कट करता हूँ। हार्ड बाउंड बॉक्स को रिमूव करने के बाद में ये कुछ इसमें कलेक्ट एडिशन है। डोगा के दो कलेक्ट एडिशन हैं और एक कोबी और भेड़िया वाला है। मुझे उसका वेट था एक्चुअली, निकाल लेते हैं बाहर इनको। ये तीन कलेक्टर एडिशन निकले हैं इसके अंदर। घूसा हिंदुस्तानी दौलत है ही ऐसी चीज़, डोगा के 2-in-1 दो दो कॉमिक्स को ऐड करके बनाया गया। और यह है कोबी और भेड़िया, और इसके साथ इसमें निकला है एक ये पोस्टर जो भेड़िया का, जो एक विंटेज आर्ट वाला पोस्टर है। आई थिंक इसका दो पोस्टर थे, जितेंद्र जी को बताना पड़ेगा शायद। इसमें एक ही उन्होंने भेजा है, मे बी अंदर कोई हो सकता है दूसरा निकल जाए, चेक करेंगे अभी। और इनके साथ जैसा कि हमको पता ही है, और इसी वजह से इनको ऑर्डर किया गया। कुछ स्टैंडीज फ्री थे, आप देख सकते हैं स्टैंडी कौन कौन से थे। तो दौलत है ही ऐसी चीज़, इसमें एक डोगा का आर्ट लगा रखा है, धीरज उन्वाजी का बनाया हुआ, और जो कि इस कॉमिक्स का ना हो करके एक ऐसे आर्ट था, अच्छा यूज़ किया उसका, स्टैंडी साथ में। और ऐसे ये जो घूसा हिंदुस्तानी है, हालांकि आर्ट तो इसका नहीं है, बट ये पोस्टर जो है ना इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है। कर इसका स्टैंडी है। और कॉपी और बड़े में आई थिंक दो विंटेज पोस्टर थे, उनमें से एक ही है मेरे हाथ में, और एक मे भी इसके अंदर हो या ना हो देखना पड़ेगा। इसी का मुझे वेट, एक्चुअली मैं इसी को अनबॉक्स करूँगा सबसे पहले। तो हम बात कर रहे थे कोबी और भेड़िया के इस कलेक्टर एडिशन की, जो मनोज गुप्ता जी की तरफ से हमको मिलता है। और इसमें जो है 549 इसका प्राइस है, और ये एक 2-in-1 कलेक्टर एडिशन है। इसके साथ में दो पोस्टर आने चाहिए थे, फिलहाल मुझे एक मिला है। ये पोस्टर एक विंटेज आर्ट का पोस्टर है भेड़िया का। और इसमें जिन बुक्स का ये जिन का ये संग्रह संस्करण है वो है ये कॉपी और भेड़िया और जानवर। जानवर इसका प्रीक्वल है, 32 पेज की बुक आई थी जानवर, इस तरीके की सिंपल कलर्स वगैरह में। और कॉपी और भेड़िया राज कॉमिक्स के इतिहास में पहली ग्लोसी बुक थी, जो ईयर 1998 में आई थी। इसके बाद तो ग्लोसी आई थी 2007 से शुरू हुई थी सभी की ग्लोसी बुक्स, लेकिन कॉपी और भेड़िया अपने आप में एक एंटिक पीस थी। ये जो कॉपी और भेड़िया का जो एडिशन है वो संजय गुप्ता जी ने प्रिंट कराया है। मेरे पास मनोज गुप्ता जी वाले भी था, पर फिलहाल इस लोकेशन में ज़्यादा नहीं है। तो मैं अगर आप संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी का जो रिप्रिंट्स थे उनमें अगर डिफरेंस की बात करें, ये है संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट्स। संजय गुप्ता जी ने भेड़िया की बात करें तो इतना ज़्यादा रिप्रिंट ना करके, जो ओल्ड क्लासिक थी, सिर्फ ये 5 बुक प्रिंट करी थी और इसका एक पूरा सेट बनाया था उन्होंने। 5 बुक का ही सेट हुआ करता था, और इनमें से सेट जैसा तो कुछ नहीं था, मनोज जी ने तो सारी प्रिंट कर दी है। बट अगर आप डिफरेंस देखेंगे कवर्स में तो आप देख सकते हैं, मैंने मनोज गुप्ता जी वाली भी रखी है और संजय जी वाली भी रखी है। हालांकि बात कॉपी और भेड़िया की हो रही है, फिलहाल मैं ये बता देता हूँ, कवर से आप समझ पाएंगे कि कई बार संजय गुप्ता जी कवर थोड़े लाइट होते थे, मनोज जी वाले थोड़े से पंचे कलर वाले होते थे। कि अंदर की बात करोगे तो संजय गुप्ता जी की थोड़ी लाइट कलर के साथ में फुल ग्लोसी में आई थी, और मनोज जी में थोड़ा सा ये तो है फुल ग्लोस में है, बट भेड़िया जो है फुल ग्लोस में नहीं थी। अरे ऐसे ही कॉपी और भेड़िया भी फुल ग्लोस में नहीं थी। यहाँ पर जो कवर है इसमें देखिए कलरफुल था, इसमें ब्लैक एंड वाइट था, काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन इन जो ये जो बुक्स हैं कॉपी और भेड़िया की, चाहे वो कोई भी रिप्रिंट हो, संजय गुप्ता जी वाले हों चाहे मनोज गुप्ता जी वाले हों, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक ही पब्लिशर ने कई बार रिप्रिंट करा इनको, और हर बार हमको अलग इफेक्ट देखने को मिला। आप एक एग्जांपल ही देख लीजिए, इसमें कितने डार्क और पंची कलर है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करी है संजय गुप्ता जी ने। इसका MRP रखा गया था 170 रुपये, फिर यही 200 रुपये, फिर 220 रुपये, अलग अलग रेट में करी। तो कभी किसी में लाइट कभी डार्क ऐसा है, तो आप ऐसा एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे कि कहाँ पे डार्क प्रिंट हुई है कहाँ पे लाइट प्रिंट हुई है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रिप्रिंट आपके हाथ में आया है। तो मेरे हाथ में मान लो ये रिप्रिंट आया पली कुटार का, तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छी प्रिंट हुई है, क्या टॉप क्लासिक कलर्स हैं, क्या ग्लोसी है। और अगर मेरे पास ये रिप्रिंट आया कॉपी और भेड़िया का, तो थोड़ा सा आपको लाइट लगेगा कवर ही संजय गुप्ता जी का। ऐसा नहीं कि उन्होंने लाइट प्रिंट किया, दूसरे में अच्छे भी प्रिंट किया हो, बट ये एक कॉमन ये था कि संजय गुप्ता जी ने थोड़ी लाइट कलर में ग्लोसी प्रिंट कर दी थी, और मनोज गुप्ता जी ने थोड़े ग्लोसी नहीं करी थी, थोड़ा थोड़ा मैपली तो ऐसे पेपर था, पर अच्छी प्रिंट करी थी उन्होंने। अब ये इनका कलेक्टर एडिशन आया है, और आपने कई रिव्यू देख भी लेंगे इंटरनेट पर कि बहुत अच्छी जो इसकी, अरे सीधा शुरू हो गया, इसमें कोई क्रेडिट नहीं दिए गए, जो इसे सीधा जानवर बुक शुरू हो गई है, और सुपर ग्लोसी है।
मेरे पास कंपेयर करने के लिए है, लेकिन मेरे पास में संजय गुप्ता जी वाली जानवर है और उसके कवर डेफिनेटली थोड़ा लाइट है, हैवी भी लाइट है। इसके सुपर ग्लोस में है जानवर की पेज, और कोबी और भिड़े की बात करें तो वो भी ग्लोस में है, पेपर वे ग्लोस में नहीं था। और देखिए फिर ये फ़र्क नज़र आएगा आपको, बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा संजय जी और मनोज जी डिपेंड में। संजय जी कवर तो लाइट थे कलर, यहाँ पे डार्क रखेंगे नहीं, फिर भी स्कैन का आभास होता है। आई थिंक ओबी और बीडे की ओरिजिनल कॉपी है ही नहीं किसी के पास में, जो भी ने स्कैन का कुछ चक्कर है, मतलब ये जो भी इन्होंने प्रिंट किया, चाहे संजय गुप्ता ने प्रिंट कराओ चाहे मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट किया हो, स्कैंड है। और प्लस क्या है कि वो एक्चुअली भी ग्लोस में थी ना, तो ग्लोसी का स्कैन इतना अच्छा आता नहीं है, स्कैन के लिए मैपली तो बहुत बढ़िया रहती है। खैर जो भी हो, तो ये फुल ग्लोस में विद प्रॉपर कलर्स है, दोनों बुक बाइंड करी हुई है, उनके ऐड हैं, और बस उसके अलावा कुछ नहीं है। बस ये उसके कवर हैं दोनों, जानवर और कॉपी और बड़े का देख कवर देख लीजिए आप। ये मनोज जी वाला प्रिंट है, उधर संजय जी वाला है। मनोज जी के कलर काफ़ी पंची होता है, और मैंने आपको पेपर बैग के कंपैरिजन बहुत दिए हैं आपको, देख लेना। इसमें जो कॉपी और भेड़िया अलग हुए थे ना स्टोरी में, फोबोस और मोबोस वो ग्रह थे, तो जो लाल रंग का था वो क्रोध वाला था, और जो ब्लू वाला था वो शांत वाला था। तो जो रिप्रिंट की बात आई ना, तो मनोज जी ने लाल वाला चूज़ किया था और संजय जी ने ब्लू वाला। ओरिजिनल कौन सा था मुझे नहीं पता, बट ऐसा था, तो इनके कवर में थोड़ा डिफरेंस नज़र आता है। खैर ये बहुत कोई बहुत बड़ा कोई स्पेशल कलेक्टेडिशन है नहीं, बस सिंपल है। ये मैट फिनिश की है, इस पर कोई लेमिनेशन ग्लोसी भी नहीं है, बस दोनों बुक को बाइंड कर दिया है और एक दोनों के कवर दे दिए हैं, बुक मार्क दे दिया है। कोई वैसा वो नहीं है जैसा आता था पहले कि आपको राज प्रेस देखने को मिले, बट ये ना कॉपी और बढ़िया बहुत कुछ डिजर्व करता था, मतलब बहुत लोगों का ये फेवरेट बुक में से एक है, और हम कई सालों से इसका वेट कर रहे थे, कभी भी इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्रिंट हाथ में आया ही नहीं, बट फिर भी ठीक है कुछ आ गए। और इसमें ना कॉपी और बढ़िया जानवर साथ बली कुठार को भी ऐड करना चाहिए था, हालांकि ये ईयर 1999 में आई थी और ये कॉपी और बढ़िया 1998, लेकिन इनमें बहुत बड़ा कनेक्शन है एकदम, आप सीधा कंटिन्यूशन पढ़ोगे तो भी मज़ा आएगा आपको। तो और इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा था संजय जी वाला, मनोज जी वाला भी अच्छा ही था, यही था। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं अनबॉक्सिंग में, तो एक डिटेल कंपेयर भी लाया जा सकता है, बट वही है कि कुछ ज़्यादा है नहीं कंपेयर करने को। बस ये है कि इसमें कंप्लीट ग्लोसी का यूज़ किया गया है, दो पेजेस का दोनों कवर मिल जाता है, बुकमार्क मिल जाता है, और काफ़ी कॉस्टली है ये, 550 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। अगर संजय गुप्ता जी वाले रिप्रिंट की बात करें तो इनके फेवर ही है आपको, 220 भी मिलेगा। देखिए 220 वाला रिप्रिंट भी था, 200 वाला भी था, 170 वाला भी था, और जानवर का रिप्रिंट तो शायद 100 का होगा पक्का, 80 का भी निकला था इन्होंने। और मनोज जी वाला मेरे पास कली बली कुठार को भी बढ़िया तो नहीं है, बट मैं इनसे अनुमान लगा सकता हूँ शायद 160-150 कुछ होगा। खैर तो ये था कॉपी और भेड़िया का कलेक्टेड एडिशन, और इसके बाद में हमारे पास में जो इस अनबॉक्सिंग की में बच जाते हैं वो है घोंसा हिंदुस्तानी और दौलत है ये चीज़। अब इसमें भी अनबॉक्स करने को ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, इनकी पोली पे घटा लेंगे और देख लेंगे इसके अंदर स्टैंडी कैसा है और अंदर कौन सी बुक्स है। तो ये है घोंसा हिंदुस्तानी का कलेक्टेड एडिशन, ये उसका स्टैंडी है, जो दिख गया होगा इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोली बैग में है। और धीरज वर्मा जी का आर्ट था इस इन बुक्स में, अंदर था कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, कवर पे जरूर था। धीरज वर्मा जी का आर्ट है, डोगा हमें दो, इसका फर्स्ट पार्ट था डोगा हमें दो, अगेन वो येलो पेजेस हैं, फुल ग्लोस में पेज अच्छे हैं। और नेक्स्ट है घोंसा हिंदुस्तानी धीरज वर्मा जी का, तो धीरज वर्मा जी का डोगा मिलेगा आपको देखने को, उनका जो एक तरीका होता है चित्र बनाने का। और अगेन ये 2-in-1 होगा, 64-64 पेज की दो बुक होंगी, कुछ और इसमें होगा नहीं, लास्ट में दो कवर होंगे इनके। ये घोंसा हिंदुस्तानी कवर है, ये डोगा हमें दो का कवर है, और घोंसा हिंदुस्तानी कवर बैक में भी दिया हुआ है, बिल्कुल फ्लैट है, इसमें कोई ग्लोसी वगैरह नहीं है, मैट फिनिश है। और ये एक ऐसा कवर था जो इसको रिप्रेजेंट करता था शायद, क्या पता इसी से इंस्पायर होकर ये बना हो पोस्टर, तो इस पोस्टर का यूज़ किया तो लग रहा है ऐसा कि नई आर्ट यूज़ की है, और ये शायद स्टैंडी था, और इसी वजह से इसकी थोड़ी सी प्राइस थोड़ी बहुत जस्टिफाई हो पाती है, अदरवाइज 550 में काफ़ी कॉस्टली है ये, हार्डबाउंड एडिशन है। सेम इसी तर्ज पर यह है दौलत है ही ऐसी चीज़, इसका भी स्टैंड निकाल लेते हैं। तो ये भी जैसी उम्मीद थी फ्लैट है, बिल्कुल मैट फिनिश हो सकता है, स्टैंडी काफ़ी अच्छी साइज़ में इसका, और स्टैंडी के साथ ही इसका प्राइस जो 550 है वो डिफाइंड होता है। इसमें भी टू बुक्स हैं, दोनों कवर लास्ट में होंगे, दौलत है ही ऐसी चीज़ फर्स्ट पार्ट, और डोगा है ही ऐसी चीज़ सेकंड पार्ट, 64-64 पेज है, सुपर ग्लोस में है, येलो पेजेस है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे घोंसा हिंदुस्तानी की बात कर लो, चाहे दौलत है ही ऐसी चीज़, इससे पहले भी एक डोगा कवर आया था, वो अलग से आया था, वो कौन सी बुक का नाम भूल गया उसकी बात कर लो, ये चाहे इसी में जो मैंने अनबॉक्स किया अभी कॉपी बढ़ेगी, कुछ इसमें विशेष देखने को नहीं मिलता, बस यही है कि जो है दो बुक हैं उनको जोड़ दिया गया है और उनके कवर लास्ट में दे दिए गए हैं एक पेज में आगे पीछे, और हार्ड बाउंड है, एक क्लासिक आर्ट का यूज़ कर लिया गया है,
और साथ में नोवल्टी है, इनमें स्टैंडीज हैं, इसमें पोस्टर है एक, वो मैंने दबा के रख दिया है और कंपेयर भी करके देखा तो कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, बस ग्लोसी में है। तो इसी के साथ ये अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और एक बात, मेरे को खले की कमी, कम से कम कोबी और बढ़िया में ना कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए था, जैसा कि अग्रज त्रिफना वगैरह दिया था उस तरीके का। आई अगर हो सकता है कि संजय गुप्ता जी कुछ इसका बिग साइज में या कुछ अलग हट करके कोई कलेक्टर एडिशन लाए तो देखते हैं क्या होता है।